माता, इस भवन में आने के उपरांत एक जिज्ञासा ने जन्म लिया है। कैसी जिज्ञासा? माता, इस अरुणासुर ने अपने प्रकाश पाश से देवताओं को बंदी बना लिया, यहाँ तक कि महादेव तक को बंधक बना लिया। इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या है माता? इन देवताओं को बंदी बनाकर ये क्या प्राप्त करना चाहता है? स्वामित्व, प्रभुत्व, ये ऐसे तत्व हैं जिनका लोभ संवरण करना अत्यंत ही कठिन है, और ये लोग केवल बिरले ही त्याग पाते हैं। जो त्यागता है वो सुर बन जाता है, और जो नहीं त्यागता उसका उदाहरण हमारे सामने है। अरुणासुर ने इसी लोभ के वशीभूत ये कृत्य किया है। वो देवों पर नियंत्रण कर रहा है, और पांचों देव, अग्नि, आकाश, जल, वायु और पृथ्वी, उनका स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या हुआ चंड प्रचंड, किस उधेड़ बुन में हो, कुछ कहना चाहते हो? हाँ प्रभु, उसी मंशा से आया था। तो कहो। प्रभु, पृथ्वी लोक पर वज्रपात करने का एक उपाय है मेरे पास। कैसा उपाय? और दैत्यराज, इसके लिए हमें उचित मनुष्य भी मिल गया है। उत्तम। जाओ और जाकर कार्य आरंभ करो। रुको भुवन, भुवन क्या हुआ? मैं तुम्हें सस्ते में जड़ी बूटियां लाकर दे सकता हूँ। अच्छा, तो दो ना। किंतु उसके बाद का परिणाम तुम देखना भैया। ठीक है, आगे का तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभालूंगा। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मैं कहा, ये मेरा लोक तो प्रतीत नहीं हो रहा है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो ये क्या? या तो महादेव भी है और अन्य देवता भी यहाँ, ये क्या भेद है? इंद्रदेव, हम लोग कहाँ है? वायुदेव, तंद्रा से बाहर आइए। महादेव, आश्चर्य। अग्निदेव, ये कैसी माया है जिसने हम देवों को ही नहीं, देवों के देव महादेव को भी बंदी बना रखा है। उस ओर देखिए इंद्रदेव, सब उसी ने किया है, उसी की रची माया है ये। तुम सब ने मेरे बनाए हुए नियम का उल्लंघन करके बहुत बड़ा अपराध किया है। इस अपराध का तुम्हें दंड मिलेगा, कठोर दंड। ऐसा अरुणासुर,